नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक में टॉप दो होम्योपैथिक वायल बताऊंगा, यानी तेल बताऊंगा जो बालों के सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, यदि आपके बाल टूट रहे हैं, इसके बाद झड़ रहे हैं, उसके बाद डैंड्रफ की समस्या है, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में टॉप दो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे वायल है। यदि आपको इन सभी समस्याओं को ठीक करना है तो ये वायल आपको यूज। दोस्तों, यह होम्योपैथिक में नंबर 1 वायल है। अच्छा वायल है बालों के लिए, बालों के सब समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वायल है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में इन दोनों वायलों को बताऊंगा कैसे आपको यूज करना है, इसके बाद कितना यूज करना है, इसके बाद कितना टाइम यूज करना है, इसके बाद कितने रुपये में मिलेगा। ये होम्योपैथिक वायल है और किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको ये वायल मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब का बटन है, अब भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर, व्हाट्सएप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोनों वायल, जो बालों के सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये बालों को पोषण देता है, इसके बाद बालों को टॉनिक की तरह रखता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये बालों की सभी समस्याओं को ठीक करता है, जैसे डेंडरफ की समस्या हो, इसके बाद खुजली की समस्या हो, इसके बाल बाल झड़ने का समस्या हो, उसके बाद आपका बाल झड़ने के बाद गंजेपन की समस्या हो, इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए दोनों वायल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगा, उसके बाद ये कितने रुपए मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों, ये बालों को टॉनिक की तरह रखने का ध्यान रखता है और ये बालों के सभी समस्याओं को ठीक करेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 वायल। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 ये विजल कंपनी के है। मैं यहाँ फोटो देता हूँ, आप उस फोटो को देख लीजिए। विजल कंपनी की जेम्बुरंडी हेयर ट्रीटमेंट, दोस्तों ये विजल कंपनी की आती है, ये इसका नाम है जेम्बुरंडी हेयर ट्रीटमेंट। दोस्तों, ये बालों के सभी समस्याओं को ठीक करता है। यदि आपके बाल में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो, यदि आपका बाल दो मुहे हो, बढ़ नहीं पाते हैं, तो उन सभी समस्याओं को ठीक करता है। इसके बाद डेंडरफ की समस्या हो, बाल झड़ने की समस्या हो, बाल आपका पतला है, बाल को घना बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा घना बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये वायल है। तो दोस्तों, ये मेरे पास, मैंने इस जेम्बुरंडी वायल को बहुत ही मंगाए हैं और ये वायल बहुत ही ज़्यादा बिकता है। इसके बाद ये वायल बहुत ज़्यादा बिकता है। तो पहले मैं आपको इसको बताऊंगा, इसका कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई है। इसके बाद में नंबर 2 पे इसको मैंने रखा है, तो मैंने इसको इसके बाद इस मेडिसिन के बाद इसको मैं बताऊंगा नंबर 2 पे है। तो दोस्तों, ऐसे होम्योपैथिक में 3 से 4 होम्योपैथिक वायल है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों वायल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे आप किसी भी शैम्पू के साथ आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसके बात करते हैं, यदि आपका बाल यानी बढ़ नहीं पाता है तो उन सभी समस्याओं को ठीक करता है। यदि आपका बाल थोड़ा बहुत गंजेपन हो गए हैं, यानी आपका बाल जहाँ तहाँ से झड़ गए हैं, तो उस भी समस्याओं को ठीक करता है। दोस्तों, एक मेरे पास लड़की आती थी जिसका बाल थोड़ा बहुत झड़ गया था, आगे इधर उधर से झड़ गया था। उन्होंने 6 महीने तक यूज किया तो उनकी बाल बहुत ही अच्छा हो गया, घना हो गया। तो दोस्तों, इस वायल को कम से कम 15 दिनों के अंदर में 15 दिनों के अंदर में आपको फर्क यानी रिजल्ट आने लगेगा। यदि आपको 15 दिनों के अंदर में आपका बाल झड़ना नहीं बंद होता है, टूटना नहीं बंद होता है, या आपका डेंड्रफ नहीं ख़त्म होता है, तो इसे आप छोड़ दे, कोई दूसरा वायल यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन का, इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, इसमें अर्निका मोटाना डाली हुई है, जो अर्निका मोटाना यानी खून को संचार को बढ़ाती है, यानी खून को अच्छा करती है, खून को दौड़ाती है, बालों तक चौपाती है, जो बालों को उगाने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, रीग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अर्निका मोटाना। इसके बाद दोस्तों, इसमें डाली हुई है ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी
में बहुत ही अच्छी मेडिसिन होता है। इसके बाद ये बहुत ही जल्दी पोषण देती है बालों को, बालों को बहुत ही मुलायम रखती है, चमकीला रखती है, बालों को बढ़ाने में बहुत ही अच्छी मदद करती है। इसके बाद दोस्तों इसमें कैंथेरस डाली हुई है, कैंथेरस खून के लिए, इसके बाद रक्त के लिए, इसके बाद नसों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद दोस्तों इसमें जेम्बू रंडी डाली हुई है। दोस्तों जेम्बू रंडी बालों के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल है, यानी इसका होम्योपैथिक में भी दवा आती है जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद दोस्तों इसमें वीज बीडेन डाली हुई है। दोस्तों वीज बीडेन बालों को चमक लाने के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है, और इसमें वीज बीडेन डाली हुई है। 6x पोटेंशियम इसमें डाली हुई है। इसके बाद इसमें वाइल्ड बेस डाली हुई है। इसके बाद एल्कोहलिक इसमें डाली हुई है। दोस्तों इस यूजल कंपनी की वायल आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा, और इस वायल का दाम है 110 रुपये, किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे मिल जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं लगाने का, तो मैं इसे कैसे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसा आपको दिखिएगा, और ये आप अच्छे से पहचान लेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपका बाल में ज़्यादा डेंड्रफ हो तो इसे बहुत ही कम लगाना है। जैसे कि ये पैक है दोस्तों, मैं इसको खोल नहीं पाऊँगा, तो इसमें से आपको कम से कम थोड़ा सा लेना है, यानी 5 से 6 बूंद, ज़्यादा आपको यूज नहीं करना। यदि आप ज़्यादा इससे यूज कीजिएगा, कोई भी ऑयल आप ज़्यादा यूज कीजिएगा, तो आपका बालों में चिपचिपा हो जाएगा और वहाँ धूल मिट्टी भी सड़ जाएगा। दोस्तों जब भी आप इसे यूज कीजिएगा तो हाथों पे थोड़ा सा लेना है, इसके बाद आपके बालों में अच्छी तरह से मसाज कर लेना है। इससे आप सुबह में सुबह में और शाम को सोते समय आप लगा सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। यदि आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा यूज करके अपने बालों को अच्छे कर दूंगा, तो आप जब भी आप ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपका बाल थोड़ा सा ख़राब भी होने लगेगा। कोई भी ऑयल हो, आप ज़्यादा आप ऑयल यूज नहीं करना है। तो दोस्तों इससे आपको लाभ मिलता है, इससे आपको रिजल्ट मिलता है, तब भी आप इस ऑयल को यूज कीजिएगा। कम से कम 1-2 सप्ताह इसे यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नंबर दो पे आता है। इसके बाद दोस्तों मैंने इसे नंबर 2 पर रखा है, क्योंकि ये भी ऑयल बहुत ही बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने इसे 2 पे रखा है। मैंने यहाँ फोटो दे दिए हैं, आप इसे देख लीजिए कैसा दिखता है। दोस्तों ये SHL कंपनी की आता है, जो दिल्ली में इसका कंपनी है और दिल्ली में ये मेडिसिन बनता है। तो दोस्तों ये बालों की सभी समस्याओं को ठीक करता है, जिससे बालों में डैंड्रफ हो, पपड़ी पपड़ी जैसे निकलती हो, इसके बाद बहुत ही ज़्यादा खुजली हो, इसके बाद आपका बाल बहुत रूखेपन हो, तो उन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये ऑयल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और ये ऑयल मैंने इस दान 1 डिब्बे मंगाए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बिकता है ये ऑयल। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं, ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट भी सुने हैं इस ऑयल में, क्योंकि इसमें ज़्यादा केमिकल नहीं है, इसमें बहुत नेचुरल चीज़ें डाली हुई है। मैं आपको कंपोजिशन बताऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ इसमें डाली हुई है। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कंपोजिशन का, इसके बाद लगाने का तरीका बताऊंगा, इसके बाद इसका रेट बताऊंगा कि कितने रुपये में आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आपको डाली हुई है अर्निका मोटाना। दोस्तों अर्निका मोटाना मैंने इस मेडिसिन में भी बताया है कि अर्निका मोटाना क्या काम करता है, खून को बढ़ाता है, खून को बालों तक चमक पाता है, नसों को यानी सफाया करता है, नस में खून को यानी इधर उधर दौड़ाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें भींग राज डाली हुई है। दोस्तों भींग राज आप सभी जानते हैं कि बालों को पोषण देने के लिए, बालों को टॉनिक की तरह काम करती है, बालों को बहुत ही अच्छी मुलायम रखती है, और इसको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है भींग राज। इसके बाद दोस्तों इसमें जेम्बू रंडी डाली हुई है। दोस्तों जेम्बू रंडी मैंने इस मेडिसिन में भी बताया कि जेम्बू रंडी ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद केसूत इसमें डाली हुई है। दोस्तों केसूत यानी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, केसूत जिसे हम शहद वहद भी बोलते हैं शायद, ठीक है, इतना हमको पता नहीं केसूत, बाकी केसूत बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों हम इसका बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें ये वाल डेंडरफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। यदि आपके बाल में बहुत ज़्यादा डेंडरफ हो तो इस वाल को आप
बहुत ही जल्दी जो है यूज करना चाहिए। दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोलता हूँ कि इस ऑयल को आपको यूज करना ही चाहिए। यदि आपको इससे 10 दिन के अंदर में आपको रिजल्ट मिलता है, 6 दिन यानी 7 दिन में आपको रिजल्ट देता है, तभी आप इसे यूज कीजिएगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। दोस्तों इसका कंपोजिशन में हम बात करते हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और केमिकल भी है तो थोड़ी सी मात्रा में है, और ये नेचुरल है। और इसका आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, टॉनिक। तो दोस्तों ये बालों को टॉनिक की तरह रखता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मेरे हिसाब से। और ये SHL यानी शारदा कंपनी की ये मेडिसिन है, दिल्ली में पैक होती है। तो दोस्तों मैं इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ है, और आपका बाल कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं झड़ेंगे, कभी भी गंजेपन नहीं होंगे, और आपका बहुत ही बाल जो है आपका बहुत ही अच्छा रखते हैं, बाल है तो हम घूम पाते हैं, ब्याह शादी में हम जा पाते हैं, और बालों को स्टाइल में रखते हैं। तो दोस्तों ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको कैसे लगाना है, कितना लगाना है, ज़्यादा आपको कोई भी ऑयल हो ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी सड़ जाएगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चौंपा सकती है। तो दोस्तों इस पे आपको इसमें 5 बूंद डालना है, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 4 बूंद भी सही है, चाहे आप 5 बूंद भी लगा सकते हैं। इसके बाद बाल को थोड़ा सा सुखवाने के बाद थोड़ा सा भींगे टाइप का होना चाहिए, थोड़ा सा भींगा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा सूख भी गए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धूप में दोस्तों कभी भी नहाए तो धूप में थोड़ा सा कम नहाए, क्योंकि थोड़ा सा सूरज का प्रकाश थोड़ा सा दिक्कत चौपाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये है, ऐसे आपको लेना है, ऐसे 10-5 बार ऐसे रगड़ना है, इसके बाद बालों में ऐसे लगा लेना है, ठीक है, बालों में ऐसे आपको लगाना, क्योंकि मेरा भी बाल थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा झड़ गया, और इस बाल को मैं यूज कर रहा हूँ, इस वाल को यूज कर रहा हूँ, देखिए रिजल्ट मिलता है कि नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी बाल थोड़ा सा, क्योंकि डेंड्रफ के चलते झड़ गए थे, ठीक है, तो मैं भी इसे यूज कर रहा हूँ। दोस्तों गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा 100% सही बताऊंगा, गलत आपसे नहीं करूंगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये भी बताते चलता हूँ कि इसका रिजल्ट आपको मिलता है तो तभी आप इसे यूज कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मैं आपको बताया, और आप तो कम से कम 6 से 7 दिन इसे यूज करके देखिए, इसे रिजल्ट मिलता है तभी आप इसे यूज कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यूज करना है 4 से 5 बूंद, ये नहीं कि ये डेंड्रफ के लिए अच्छा है तो मैंने इसमें से इतना ले लिया तेल और इसको घस लिया पूरे बाल में, ऐसा नहीं आपको करना है। दोस्तों आपको थोड़ा सा समय दीजिएगा डेंड्रफ के लिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा बाल झड़ने के लिए, सब समस्या ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और होम्योपैथिक ऑयल है और मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उस इस वीडियो में नहीं लाया हूँ। मैं अगले सप्ताह में उस ऑयल को मैंने दे दिए हैं, ऑर्डर दे दिए हैं, और वो ऑयल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उस वीडियो में बताऊंगा, मैं अभी उस ना उसका नाम नहीं लूंगा। तो पहले मैं उसको किसी पेशेंट को दूंगा, उसका रिजल्ट आएगा तभी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट सुने हैं, मैंने दिए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में बताया हूँ, ये काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो में बनाया था कंडीशनर शैम्पू का, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं यहाँ आई बटन में लिंक देता हूँ, आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बालों के सभी समस्याओं को ठीक करता है, और आपको बनाना है बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में, यदि आपको बाल रखना है स्वस्थ, बालों को रखना है अच्छा, तो उस कंडीशनर शैम्पू को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, नेचुरल है, उसमें आंवला डाली हुई है, आंवला बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों यदि आपको डेंड्रफ की समस्या है तो आंवला का जूस या आंवला का चूर्ण जरूर यूज कीजिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आंवला। मैं यहाँ फोटो देता हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं आंवला का देख लीजिए, आंवला का चूर्ण चाहे जूस आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, गारंटी देता हूँ, आंवला का जूस चाहे आंवला का चूर्ण जरूर यूज कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों आज का इस वीडियो में कुछ मुझसे कुछ छूट गया, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और दिल की प्यारी प्यारी बातों को कमेंट में ज़रूर करें।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब का बटन है, और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।